गाड़ी लेने जाना है तो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि स्कॉर्पियो एन कैसे आ रही है। बुलेरो नियो देने के बाद अमी ने और मैंने सोचा था कि हम बेसिक बुलेरो लेंगे, पहले हमारे पास वही होती थी, पर उसमें बैठे तो हम दोनों फिट नहीं आ रहे थे ज्यादातर। और परिवार आपने देखा ये कितना बड़ा है, पर उसी शोरूम में ना स्कॉर्पियो एन खड़ी थी, ऐसे अच्छी लगी थी देखने में, बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। मैंने उनको बोला मैं यार ये वाली क्यों नहीं हम ट्राई करें, अरे सर की अरे यार इसका बजट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत महंगी गाड़ी है, इट्स बिगर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ठीक है वो बात आई गई होगी, पर उसके बाद जब हम गोवा आए कैसे कैसे करके, वो बहुत सारी लंबी कहानियाँ जो इंटरेस्टिंग भी नहीं है शायद सुनाने में, वो अब महसूस करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बट एनीवे हम फाइनली फिर स्कॉर्पियो एन ही ले रहे हैं। Why I think it is good for SM. I mean, like, so you know the team is big. There is family also with the team, and we travel to far off places. So जब workshops के लिए निकलते हैं ना दोस्तों तो बहुत सामान इकट्ठा होता है in terms of training also. तो बड़े बड़े bags होते हैं। पिछले vlogs में जाके checkout करना, बेचारी प्रतिष्ठा कैसे पीछे की seat में सो रही थी सामान के साथ। तो इसलिए आई थिंक दिस हैज अ बिग पीछे वाला स्पेस, जो डिक्की का स्पेस जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है इसमें। आई थिंक फॉर ट्रैवल पर्पसेस इट विल गिव अस अ गुड स्पेस टू अटेम्प्ट अस अ स्लीप इन द कार व्हेन आई एम ड्राइविंग द होल नाइट। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि स्कॉर्पियो एन विल बी अ गुड एडिशन। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली एसएमएम इज गेटिंग इट्स ओन कार व्हिच इज अ स्कॉर्पियो एन। तो आज तक आपने हमेशा ये सुना है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या रहा है महिंद्रा पे, आज पहली बार आप सुनने जा रहे हो कि महिंद्रा के जो सेल्समैन है उन बेचारों का क्या एक्सपीरियंस होता है हम जैसों के साथ। तो नासिर भाई जरा आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी बेचने का। तो भी ऑनेस्टली आपने उतना नहीं परेशान किया। अच्छा, और परेशान करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, बट टू बी ऑनेस्टली, बट या इट वाज लाइक वेरी स्विफ्टली परफॉर्मेंस है, सब कुछ अच्छे से हो गया था आपके साथ, मतलब आप इतने कोऑपरेटिव थे, ये थे, मैंने इन मोमेंट पे बहुत सारे आपको बातें भी बोले, आपने बोला ठीक है ओके चलो कर लेते और पेशेंस बहुत है आपको। So that is well and good. तो जैसे नासिर भाई गोवा के, अब मैं भी गोवन हो चुका हूँ, तो हम लोग क्या गोवा पे टेंशन नहीं हो सकती, सब कुछ ठीक है, गोवा और रिलैक्स उसे गार्ड लाइफ स्टाइल सर के साथ मैं हमेशा हूँ बिल्कुल। महिंद्रा का भी यही लोगो है, विद यू हमेशा, यही इनका मोटो है। परफेक्ट परफेक्ट। तो महिंद्रा वेरना के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है, जब से हम लोग गोवा आए 3 साल पहले तब हमारे पास वो ब्लू वाली TUV थी और फिर ब्लैक वाली आई और अब स्कॉर्पियो आने वाली, लेकिन वो रिश्ता शुरू हुआ था मैम की वजह से, क्योंकि मैम ने बहुत ही स्विफ्टली फोन पर ये डील कर दी थी। मैम आपको याद है ब्लू वाली गाड़ी? जी सर, आप नॉर्थ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, नॉर्थ से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, फिर आपने सब कुछ सॉल्व किया था। हमारा एक और दोस्त भी था, क्या नाम था उसका, यंग लड़का जो था एक, हाँ, आपके साथ आता दिल्ली, नहीं 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 आपका जो था यहाँ पर, अरे कैसे नाम भूल रहा हूँ, एटली था आपके साथ जो था, और फिर आपने हमको ब्लैक वाली गाड़ी दिलाई थी, और अब हम लोग स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं वो भी मैम की वजह से। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताओ। वेरी वेल सर, आई वुड से वेरी जेनरस पर्सन, वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी सपोर्टिव, यू कुड अंडरस्टैंड हाउ वी कुड टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लेजर यू कमिंग फ्रॉम सो फार एंड कोऑर्डिनेटिंग। नो नो नो, इट्स आवर प्लेजर, सो ऑल थैंक्स टू हर, वी विल गो एंड गेट द कार व्हिच अनिका विल गेट द कीज ऑफ। तो ये दो दो गाड़ियां खरीद रही हैं आप? एक मैं ड्राइव कर रही हूं अकेले। Thank you.
स्कॉर्पियो एन गियर वाली चला रहे हैं और यही हमारी टेस्ट ड्राइव थी और ऐसे ही गाड़ी आ गई। अब वही होता है, वो शेर याद है आप लोगों को? अच्छा नहीं, वो दूसरे ब्लॉग के लिए। बट सुपर हैप्पी दैट आई वाज एबल टू गेट दिस एज अ गिफ्ट फॉर सोशल एंड मीडिया मैटर्स ऑन द डे ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजल दैट आई हैड डन मेनी इयर्स अगो। उसकी डिटेल्स भी कभी अनिका शेयर करेंगी। तो हाँ, एक नया सफ़र शुरू होता है अपने एक नए कंपेनियन के साथ। हमारी वर्कशॉप्स, हमारे काम में गाड़ियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी स्थापना से। सो नाउ स्कॉर्पियो एन हैज़ ऑल्सो कम टू इट। वेरी वेरी थैंकफुल टू नायक मोटर्स, क्योंकि यार ये बच्चे जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो इनको अप्रीशिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पूरी टीम को मैं सना मैम, सादिक, संकेत और राजू सर, ऐश्वर्या, ये पांच तो मुझे नाम याद है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ डील किया था, लेकिन बहुत सारे लोग बिहाइंड द वो भी रहते हैं सीन्स। आई विल ड्रॉप एन अप्रिसिएशन मेल टू महिंद्रा फॉर द वेरी नाइस वर्कर्स दैट दे हैव। और फिर देखते हैं कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं। सुपर 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 डुपर हैप्पी। और ये जो होता है ना नई गाड़ी खरीदना, घर में कुछ भी नया आता है जो उसकी एक्साइटमेंट होती है ना, मेरी अभी वही है। तो फीडबैक वीडबैक कुछ नहीं, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड व्हेन यू कुड परचेज समथिंग विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू एवरीबडी इन द फैमिली विल यूज़ इट। तो बस अब सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि घर जाएँ और बच्चे इसको देखें, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है कि अभी घर पर नई गाड़ी आ रही है। तो उनकी एक्साइटमेंट लेवल देखने के लिए बस सब घर की तरफ भागे चले जा रहे हो। तो हम पहुंचने वाले हैं घर, जहाँ पे वो दो दो छोटे छोटे जैसे लंगूर जो हैं वो देखेंगे फर्स्ट टाइम इस कार को। एंट्री पे उनको बुलाया गया, देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। बस एक और मिनट और हम घर के अंदर रुके। बता दूँ? बताऊँगा नहीं यार मैं, आपको खुद को गैस करना है। गैस करो ना। वो कहाँ पे रखा? रखा नहीं है, वो कहीं से आ रहा है। क्या बताओ? कार हम बैठ के चलाएंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट इज दिस? वीनो देखो गाड़ी, हमारी गाड़ी है। यस ये। हमने स्कूटी नहीं चलानी सीखी अभी तक, लेकिन हम सीधा गाड़ी चलाएंगे, ठीक है? वो भी कोई पता नहीं 26-27 लाख की टाइप। अब स्टीयरिंग स्टीयरिंग तो पकड़ के दिखा दे, वो भी डरते डरते पकड़ रही है वो। उसमें आगे ना चली जाए, अपने आप थोड़ी चली जाती है, रेस देनी पड़ती भाई, है ना?